तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग लॉकडाउन में अपने घर पर ही होंगे और सेफ जोन में होंगे। तो आज का वीडियो कुछ अलग तरीके का, मतलब कि पिछले वीडियो का एक सेकंड पार्ट है जिसमें मैंने पूरी डिटेल नहीं दी थी, उसके लिए सेकंड पार्ट मैं आज शूट कर रहा हूँ। इस सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कि मतलब एक सिचुएशन होती है जिसमें कि मतलब CBR बाइक जो होती है उसकी फ्यूल पम्प स्टार्ट नहीं हो पाती है। वो सिचुएशन कब होती है, जैसे कि आपकी बाइक आपने ऑन की और तब आप जब ये इंजन किल स्विच ऑन करते हैं तो आपको फ्यूल पंप की आवाज़ आती है। जैसे कि मैं भी आपको सुनाता हूँ कैसी आवाज़ होती है वो। तो अभी आपने जो आवाज़ सुनी वो थी फ्यूल पंप की और इसके फ्यूल इंजेक्टर की साथ साथ, तो ये फ्यूल पंप की आवाज़ नहीं आ पाती है। तो उस कंडीशन में हम लोग काफ़ी डर जाते हैं और ऐसा लगता है कि गाड़ी में कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और अगर आप इस बाइक को मैकेनिक के पास लेके जाओगे तो वो सीधा सिंपल बताएगा कि इसका ECU ख़राब हो गया है। तो ECU इसका लगभग 10,500 रुपये के लगभग का कॉस्ट करता है, जबकि एक्चुअल प्रॉब्लम ECU में बिल्कुल नहीं होती है। ये प्रॉब्लम होती है इसकी वायरिंग में। तो वायरिंग में कहाँ प्रॉब्लम होती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। वायरिंग में प्रॉब्लम होती है इसके लॉक साइड पे, ये जो आप हैंडल लॉक देख रहे हैं इसमें प्रॉब्लम होती है। इस हैंडल लॉक में से 3 वायर बाहर जा रहे होते हैं, जिनमें से एक वायर होता है पिंक कलर का। तो जो पिंक कलर वाला वायर है वो लॉक के अंदर से चलते चलते टूट जाता है या किसी कारणवश मतलब टूट जाता है। तो आप जब गाड़ी को ऑन करते हैं, इंजन का किल स्विच ऑन करते हैं, तो उस टाइम पे इस गाड़ी की फ्यूल पंप चलती नहीं है। तो फ्यूल पंप ना चलने की वजह से हम लोग काफ़ी डर जाते हैं और फॉल्ट मिलता भी नहीं है आसानी से, क्योंकि ये फॉल्ट होता है लॉक में। अगर आप पूरी वायरिंग भी चेक कर लोगे तो आपको पूरी वायरिंग बिल्कुल ठीक लगेगी। तो एंड में मैकेनिक भी इसी कंक्लूजन पे पहुंचता है कि इसका ECU ही ख़राब है और वो ECU रिप्लेस करने के लिए बोल देता है। और हम लोग सिंपली ECU रिप्लेस करने के लिए उसे हाँ भी बोल देते हैं, पर जब नया ECU आता है तो भी मतलब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाती है क्योंकि प्रॉब्लम लॉक में होती है। तो मैं आपको वो लॉक जो है, जो पुराना लॉक है इसका जो ख़राब हो गया था, मतलब वो ख़राब ही हो गया था पूरी तरह से, इसलिए मैंने रिप्लेस भी करा दिया, तो वो लॉक मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये जो कमी होती है लॉक में होती है, इसके लिए ना वायरिंग में कोई फॉल्ट होता है ना ही ECU में कोई फॉल्ट होता है। ये मोस्टली 90% केस में ये जो प्रॉब्लम होती है लॉक में ही होती है। तो आप बस सिंपली अपने मैकेनिक से बोलें कि इसका एक बार जो हैंडल लॉक है वो किसी CBR का जो ठीक कंडीशन में हो और चल रही हो उसका हमारी बाइक में लगा के देखे, तो आपकी गाड़ी प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी और फ्यूल पंप भी प्रॉपर काम करेगी। तो ये था अभी की वीडियो में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो लॉक जो मतलब ख़राब हो गया था इसका पिछले वाला। तो लॉक की कॉस्ट होती है इसके की लगभग सेम कॉस्ट ही होती है, 10,500 के आसपास का ही लॉक होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो उसमें वो वाला जो वायर है पिंक कलर का वो शोल्ड करके दोबारा से उसको ओपन करके सही से प्रॉपर परफेक्ट करके दोबारा से उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये था अभी के वीडियो में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ लॉक जो मतलब पुराना ख़राब लॉक है। ये जो आप देख रहे हैं ये है CBR 250R का हैंडल लॉक और ये काफ़ी ख़राब कंडीशन में है, आप देख पा रहे होंगे काफ़ी गंदा भी हो रहा है और इसकी फंक्शनिंग भी प्रॉपर नहीं थी, तो इस वजह से ये मुझे रिप्लेस कराना पड़ा था। और ये जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो पिंक कलर का वायर है, ये पिंक कलर का वायर इसके अंदर से टूट गया था। अब ये किस पॉइंट से टूटा ये तो मुझे प्रॉपर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो सामने आप देख पा रहे हैं ये शायद इसी पॉइंट से टूटा है। और इसके टूटने की वजह से मेरी बाइक की फ्यूल पंप नहीं चल पा रही थी और इसी वजह से मैंने काफ़ी कह सकते हो मतलब इतनी मैंने मशक्कत करी इस बाइक पे, मतलब 15-20 दिन इस बाइक की वायरिंग सब कुछ चेक की और उसके बाद मुझे पता लगा कि इसका लॉक सेट ख़राब है। और फिर इसका लॉक सेट रिप्लेस किया तो ये चालू हो गई गाड़ी, लेकिन फ्यूल पंप लॉक सेट चेंज करने से पहले नहीं चला, इस वजह से मुझे ये चेंज ही करना पड़ा। तो बस ये था अभी के वीडियो में कि अगर आपकी बाइक की फ्यूल पंप नहीं चल रही है CBR 250R की तो उसमें क्या क्या कमियां हो सकती हैं। तो मेन कमी यही है कि इसका जो लॉक सेट है उसमें ये जो पिंक कलर का वायर है ये टूट जाता है
और इसको अगर आप यहाँ भी शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे तो इसकी कोशिश आपकी कोई सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये मैंने करके देख लिया था, ये इसके लॉक सेट के अंदर से ही कोई ऐसा फंक्शन है जो मतलब प्रॉपर काम करता है, उसके बाद ही ये बाइक इसकी फ्यूल पंप काम करती है और ये तभी बाइक स्टार्ट होती है। जब तक फ्यूल पंप स्टार्ट नहीं होगी तब तक आपकी बाइक स्टार्ट नहीं हो सकती। ये जो दो वायर्स हैं ये मेन वायर हैं और ये सेकेंडरी वायर है पिंक वाला, लेकिन ये डायरेक्ट ECU से कनेक्ट होता है कहीं पर जाके, तो इस वजह से इसकी फ्यूल पंप स्टार्ट नहीं हो पाती है। तो बाकी इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी कि फ्यूल पंप क्यों नहीं चल पाती है, कैसे नहीं चल पाती है, क्या क्या कारण होते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने किसी दोस्त को इन्फॉर्मेशन देनी हो तो उसके साथ शेयर करना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसी CBR से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। जल्द में ही मैं एक नया चैनल बनाने वाला हूँ जिसका लिंक मैं आपको वीडियोज़ में देने लगूँगा, और उस चैनल पे मेरे ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोज़ आया करेंगी। तो बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।